Hello students, myself Ayushitank. I welcome you on Envira Online School. Today we will start our second chapter for class 2. Name of our this chapter is in the metro train. इन द मेट्रो ट्रेन. मेट्रो ट्रेन, मेट्रो ट्रेन क्या होती है? एक ट्रेन होती है जो बहुत ही ज्यादा फास्ट चलती है, जो फ्यूल को सेव करती है, वो एक ट्रेन होती है, उसे बोलते हैं मेट्रो ट्रेन. तो इस चैप्टर में हम मेट्रो ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट. सो हियर वी हैव सम वर्ड्स, सो लेट्स लर्न अबाउट दीज वर्ड्स. सो फर्स्ट वर्ड इज एक्साइटेड. फर्स्ट वर्ड इज एक्साइटेड. एक्साइटेड मतलब हम किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि हम वहां जाएंगे तो हमें क्या खुशी होती है अंदर से, उसे बोलते हैं एक्साइटेड. हिंदी में इसे बोला जाता है उत्साहित. क्या बोलते हैं? उत्साहित. वर्ड क्या है? एक्साइटेड, जिसे हिंदी में बोला जाता है उत्साहित. नेक्स्ट वर्ड बिसाइड, मतलब आपके बगल में, मतलब आपके जो साइड में कोई बैठा होता है, आपके पास में कोई बैठा होता है, तो उसे बोलते हैं बिसाइड. क्या बोला जाता है? बिसाइड. नेक्स्ट वर्ड इज विस्पर्ड. नेक्स्ट वर्ड इज विस्पर्ड. विस्पर्ड मीन्स फुसफुसाना, बहुत ही धीमी आवाज में बोलना. नेक्स्ट वर्ड इज इंडीड. इंडीड मीन्स वास्तव में. अगर कोई चीज रियल में होती है तो उसे क्या बोला जाता है? इंडीड. नेक्स्ट डिलीशियस. डिलीशियस मीन्स स्वादिष्ट. डिलीशियस मीन्स स्वादिष्ट. कोई चीज हमें बहुत अच्छी लगती है, कोई खाना हमें बहुत पसंद होता है, वो बहुत अच्छा बनता है, तो हम बोलते हैं डिलीशियस, बहुत टेस्टी. नेसेसरी. नेसेसरी मीन्स जरूरी. जो चीज हमें जरूरत होती है, हम मॉर्निंग में उठते हैं, हमें ब्रश करना होता है, हमें हमारे कपड़े चाहिए होते हैं, ये सब जरूरत के सामान है, तो ये सब क्या होते हैं? नेसेसरी. नॉइजी. नॉइजी मतलब शोरगुल, बहुत आवाज करना, इट्स कॉल्ड नॉइजी. नेक्स्ट वन इज ऑटो रिक्शा. क्या होता है? ऑटो रिक्शा. जो ऑटो रिक्शा जो रोड के ऊपर चलते हैं, उसके अंदर बहुत ज्यादा आवाज आती है, वो ओपन होते हैं, उसके अंदर बैठ के हम इधर से उधर जा सकते हैं. अ व्हीकल इज कॉल्ड ऑटो रिक्शा. लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर. बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर, हियर वी हैव एन एक्टिविटी. हियर वी हैव एन एक्टिविटी. सो लेट्स डू द एक्टिविटी. सो द क्वेश्चन इज मैच द फॉलोविंग. यहाँ कॉलम ए दिया है और कॉलम बी दिया है, उसमें हमें कुछ सामान दिए गए हैं, कुछ थिंग्स दी गई है, उन्हें हमें एक दूसरे से मैच करना है. सो फर्स्ट वन इज, ये क्या है? हम लोग खेलते हैं इससे. दिस इज अ बैडमिंटन रैकेट. दिस इज अ बैडमिंटन रैकेट. सो बैडमिंटन रैकेट, जब हम बैडमिंटन खेलते हैं तो हमें दो चीजें चाहिए होती है. एक तो बैडमिंटन रैकेट चाहिए होता है, उसके साथ और क्या चाहिए होता है हमें? शटल कॉक. सो इन कॉलम बी वी फाइंड द शटल कॉक. सो दिस इज द पेयर. सो लेट्स मैच. नेक्स्ट वन, व्हाट इज दिस? दिस इज अ फिशिंग नेट. दिस इज अ फिशिंग नेट. सो फिशिंग नेट में हम क्या करते हैं? फिशेस को पकड़ते हैं. सो फिशिंग नेट पेयर्स विथ फिश. नेक्स्ट, द बॉय हैव अ बैट. बैट के साथ उसे और क्या चाहिए? बॉल चाहिए. सो लेट्स मैच द बैट विद द बॉल. नेक्स्ट क्या है? वाओ, दिस इज द टेबल टेनिस रैकेट्स. टेबल टेनिस रैकेट के लिए हमें क्या चाहिए? बॉल चाहिए. तो ये इसको भी हम किसके साथ मैच कर देते हैं? बॉल के साथ. सो ये जो सारी चीजें हम क्या यूज करते हैं? खेलने के लिए. वी प्ले, हम इन सब चीजों से खेलते हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर.
सो लेट स्टार्ट. द समर, समर मीन्स गर्मी. हॉलीडेज, छुट्टियां. स्टार्टेड, शुरू हो गई. जो गर्मी की जो छुट्टियां होती है, आपके भी स्कूल में गर्मी की छुट्टियां होती है ना, तो वही गर्मी की छुट्टियां जो है वह स्टार्ट हो चुकी है. श्याम, अ बॉय एंड रवि. श्याम एंड रवि. सो द नेम ऑफ बॉयज वर. वेरी एक्साइटेड, बहुत ज्यादा हैप्पी है. आपकी भी छुट्टियां होती है जब आप भी बहुत ज्यादा खुश होते हो, तो वो भी क्या है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज्यादा खुश है. एंड और विज, वो इच्छा करते हैं कि हमारी क्या इच्छा है उनकी, टू गो, जाने की. कहाँ जाने की, ऑन अ पिकनिक. उनकी पिकनिक पे जाने की इच्छा है. तो कहाँ जाना चाहते हैं वो, उनकी जो गर्मी की छुट्टियां हैं, समर हॉलीडे स्टार्ट हो चुकी है, वो लोग बहुत खुश है. और अब वो कहाँ जाना चाहते हैं, पिकनिक के ऊपर जाना चाहते हैं. पिकनिक, कहीं बाहर जाना चाहते हैं, पिकनिक मनाने, घूमने जाना चाहते हैं. इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, इवनिंग मतलब शाम का समय. इन द इवनिंग, वैन, जब, देयर, देयर, देयर मीन्स उनके, देयर मीन्स उनके, किनके, श्याम और रवि के. तो यहां पे जो देयर है, श्याम और रवि क्या है, श्याम और रवि क्या है, नाउन है, किसी पर्सन का नेम है, इसलिए वो क्या हो गए, नाउन. और इस श्याम और रवि के लिए यहां पे क्या यूज हुआ, देयर. सो देयर क्या हो गया, प्रोनाउन. हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा इस बारे में. तो देयर, उनके फादर, पिताजी, शाम के समय जो उनके पिताजी थे, केम बैक होम, वापस कहाँ आ गए, घर आ गए. वो काम पे जाते हैं तो काम से वापस घर आ गए. दे, वे सब, जो श्याम है, रवि है, उनके फादर है, वे सब सैट, बैठे बिसाइड हिम. यहाँ पे श्याम और रवि बैठे हैं, दोनों भाई, और उनके जो पापा है वो भी उनके बगल में आके, साइड में आके बैठ गए. फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, जब अपन खान टेबल के ऊपर आके बैठ जाते हैं, फिर क्या होता है, क्या होता है बताओ, खाना खाते हैं. तो खाना खाने के लिए खाना बनाना पड़ता है. खाना कौन बनाता है, मम्मा. तो लुक एट दिस, मदर, माताजी, प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड मीन्स तैयार कर दिया, प्रिपेयर्ड मीन्स तैयार कर दिया. डिनर, डिनर मीन्स रात का खाना, उन्होंने रात का खाना तैयार कर दिया. एंड लेड द टेबल, और सारा खाना कहाँ रख दिया, टेबल के ऊपर रख दिया. कहाँ रख दिया, टेबल के ऊपर रख दिया. फिर क्या होता है, डिनर इज रेडी, खाना तैयार है. वॉश मतलब साफ कर लो, योर हैंड्स, अपने हाथों को. एंड और गेट सीटेड मतलब बैठ जाओ, एट द डाइनिंग टेबल, खाने की टेबल पे बैठ जाओ. खाना तैयार है, अपने हाथों को साफ कर लो, धो लो, और खाने की टेबल पे बैठ जाओ. ये कौन बोलता है, कॉल्ड आउट बोलती है मदर. कौन बोलता है, मदर, माताजी. कहां से, फ्रॉम दी किचन. किचन में से वो आवाज लगाती है कि खाना तैयार है, आप सब अपने हाथों को वॉश करके, धो के, डाइनिंग टेबल पे आके बैठ जाओ. अव मीन्स हमारा. डाइनिंग टेबल, हमारा जो खाने की टेबल है, इज द परफेक्ट प्लेस, एकदम सही जगह. प्लेस मीन्स जगह, एकदम सही जगह है. टू टॉक, बात करने के लिए. टू फादर, पिताजी से बात करने के लिए. जो हमारा खाने का मेज है वो एकदम सही जगह है. विस्पर्ड मतलब फुसफुसाया, धीरे से बोला. कौन बोला, श्याम. कौन बोला, श्याम. किससे बोला,
टू रवि। श्याम बोला रवि से कि जो हमारे खाने की टेबल है वह पिताजी से बात करने के लिए एकदम सही जगह है। यस इंडीड, वास्तव में तुम एकदम सही कह रहे हो, रिप्लाइड रवि। रवि वापस जवाब देता है कि तुम एकदम सही बात बोल रहे हो। एट द टेबल, टेबल के ऊपर रवि आस्क्ड, आस्क्ड मींस पूछा, रवि ने पूछा हिज फादर, अपने पिताजी से। फादर अवर हॉलीडेज, हमारी जो हॉलीडेज है, हमारी जो छुट्टियां हैं, हैव स्टार्टेड, शुरू हो चुकी है। वी मस्ट प्लान, हमने एक प्लान बनाया है। किसके लिए? पिकनिक जाने के लिए हमें एक प्लान बनाया है। फादर, पिताजी एग्रीड, वो मतलब मान गए, तैयार हो गए। एट वंस, एक ही बार में उनके पिताजी मान गए पिकनिक पे जाने के लिए। एंड और सैड, कहने लगे वी शैल गो टुमारो, हम कल जाएंगे। कल का मॉर्निंग में, सुबह के समय हम कल जाएंगे। टुमारो मीन्स आने वाला कल, टुमारो मीन्स आने वाला कल। एंड यस्टरडे मीन्स, यस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल, एंड टुमारो मीन्स आने वाला कल। और इन दोनों के बीच में कौन आता है? आज, जिसे हम बोलते हैं टुडे। टुडे मीन्स आज का दिन। जस्ट लाइक आज डेट है 1/1/21, सो द यस्टरडेज डेट इज 31/12/20 एंड टुमारोज डेट इज 2/1/21। सो दिस इज यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो। सो उनके फादर बोलते हैं कि हम कल सुबह मॉर्निंग में चलेंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, एवरीवन, सब लोग इन द हाउस, घर में जो थे, स्टार्टेड, शुरू करने लगे, प्रिपेयरिंग, तैयारी। किसकी तैयारी? फॉर द पिकनिक, पिकनिक पे जाने की तैयारी करने लगे। मदर मेड, माताजी ने बनाया डिलीशियस फूड, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन। एंड पैक्ड, और पैक कर लिया ऑल द नेसेसरी, जरूरत का थिंग्स मीन्स सामान। अगली सुबह सब लोग अपने अपने काम पे लग गए, पिकनिक के लिए तैयारी करने लग गए। माताजी ने बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया और जो जरूरी सामान होता है उसको पैक किया। फादर ने क्या किया? फादर गॉट, पिताजी ने लिया द फिशिंग नेट, फिशिंग नेट मतलब मछलियों को पकड़ने की जाली। एंड और बैडमिंटन रैकेट्स, बैडमिंटन खेलने के जो रैकेट्स होते हैं वो। एंड शटल कॉक, और जिससे बैडमिंटन खेलते हैं शटल कॉक, वो ली। फॉर द किड्स टू प्ले, बच्चों के खेलने के लिए लिया। ऑन द वे टू द पिकनिक, ऑन द वे मतलब रास्ते में, टू द पिकनिक ग्राउंड, पिकनिक ग्राउंड जाने का जो रास्ता होता है वहां पे उनको, वहां पे क्या हुआ? पिकनिक जाने का जो ग्राउंड था वहां पे क्या हुआ? श्याम, जो श्याम था, पॉइंटेड मतलब उसने नोटिस किया, उसने ध्यान दिया आउट, बाहर की तरफ। एंड और कहा, सेड मींस कहा, एक्साइटेडली बहुत ही खुशी से, उत्साह से उसने क्या कहा? रवि लुक एट द ह्यूज बस, लुक एट द ह्यूज बस मतलब देखो उस बड़ी बस को, ह्यूज मतलब बड़ा। हम बड़े को और भी क्या बोल सकते हैं? बिग, बिग मींस बड़ा एंड ह्यूज मींस बड़ा। So these words are called synonyms. Two words having same meaning is called synonyms. So huge bus, बहुत बड़ी बस। देखो रवि कितनी बड़ी बस है। It looks like, ये किस तरह से दिख रही है?
टू बसेस, दो बसों की तरह दिख रही है, आर जॉइंट टुगेदर, ऐसा लग रहा है जैसे दो बसों को साथ में जोड़ दिया हो। बोथ ऑफ देम मतलब दोनों, रवि और श्याम लुक्ड, देखने लगे एट इट, इसकी तरफ, विद सरप्राइज्ड आईज, एकदम चौकन्ने होकर उसकी तरफ देखने लगे, जैसे आपने अभी पहले कुछ देखा ही नहीं है ना, उसको हम जब देखते हैं तो वैसे जो आईज होती है उस आईज से वो उसे देखने लगे। नो नहीं, इट्स नॉट अ ह्यूज बस, ये एक बड़ी बस नहीं है। इट्स अ न्यू ट्रेन सर्विस, ये एक नई ट्रेन की जो सर्विस है वह है, कॉल्ड, जिसे क्या बोलते हैं, द मेट्रो ट्रेन, ये एक नई ट्रेन सर्विस स्टार्ट हुई है उसे बोलते हैं मेट्रो ट्रेन। एक्सक्लेम, एक्सप्लेन फादर, पिताजी ने उन्हें समझाया कि ये क्या है, एक बड़ी बस नहीं है, ये तो एक ट्रेन की नई सर्विस स्टार्ट हुई है जिसे क्या बोलते हैं, मेट्रो ट्रेन बोलते हैं, ये वो है। फादर, पिताजी, देन वी शैल बी गोइंग बाय मेट्रो, हम सब मेट्रो में जाएंगे। एक्सक्लेम्ड श्याम, श्याम ने क्या कहा, पिताजी तब तो हम इस मेट्रो ट्रेन में ही जाएंगे। यस, हाँ मेट्रो, हाँ मेट्रो में जाएंगे, जॉइन रवि, रवि भी श्याम के साथ मिल जाता है और कहता है हाँ हाँ हम भी मेट्रो में जाएंगे। आई डू नॉट लाइक, मुझे नहीं पसंद है दीज नॉइजी ऑटो रिक्शाज, ये ऑटो रिक्शाज मुझे नहीं पसंद है, ये कौन बोलता है, रवि बोलता है, रवि क्या बोलता है, हाँ हम मेट्रो में जाएंगे, मुझे तो ये जो ऑटो रिक्शा होती है, ये जो रिक्शा जो रोड पे चलती है, इनकी जो शोरगुल है मुझे तो वो पसंद नहीं है। शो, सच में ठीक है, मेट्रो ट्रेन, जो मेट्रो ट्रेन है सेव्स, बचाती है फ्यूल एंड टाइम, फ्यूल मतलब ईंधन और टाइम मतलब समय, क्योंकि मेट्रो ट्रेन बहुत फास्ट चलती है तो वो समय भी बचाती है और फ्यूल भी बचाती है। एडेड फादर, उसके पिताजी कहते हैं कि हाँ हम मेट्रो ट्रेन में जाएंगे, वो हमारा फ्यूल भी बचाएगा और हमारा टाइम भी बचाएगा। फादर, पिताजी, टुक देम, ले जाते हैं ऑल, सबको इन द मेट्रो ट्रेन, मेट्रो ट्रेन में ले जाते हैं। दे रिच्ड, वे पहुंच जाते हैं द पिकनिक ग्राउंड, पिकनिक ग्राउंड में, बिफोर टाइम, समय से पहले। दे प्लेड, वे खेलते हैं टुगेदर, साथ में, एंड एंजॉयड, और मजे करते हैं देयर पिकनिक टाइम, उनका जो पिकनिक टाइम है उसमें वो बहुत ज्यादा मजे करते हैं। नाउ, अब इट इज, ये हो चुका है टाइम, समय टू गेट बैक होम, वापस घर जाने का समय हो चुका है। श्याम एंड रवि, श्याम और रवि, अब घर जाने का समय हो चुका है। पैक द बैग्स, अपने अपने जो बैग है, जो अपन सामान लाए उन सबको वापस पैक कर दो। वी शैल गो होम नाउ, अब हमें घर चलना चाहिए। डिक्लेयर्ड, घोषणा करती है कौन, मदर, माताजी, तो माताजी क्या कहती है कि अब टाइम हो चुका है कि हम अपने घर जाएं। श्याम और रवि, पैक द बैग्स, अपने बैगों को पैक कर लो, अब हम घर चलेंगे। ओके, ठीक है मदर, माताजी, एज यू से, जैसा आप कहते हैं ठीक है, बट लेकिन, वी शैल टेक द मेट्रो बैक होम, हम घर वापस किस में जाएंगे, मेट्रो में ही जाएंगे, सेड रवि। रवि कहता है हम तो वापस मेट्रो में ही जाएंगे। मदर एंड फादर, माताजी और पिताजी, बोथ एग्रीड, दोनों एग्री हो जाते हैं, एंड सैड, और कहते हैं
यस ऑफ कोर्स, हम वापस मेट्रो में ही जाएंगे। तो यहाँ जो हमारा जो चैप्टर है दी मेट्रो ट्रेन, वो जो है वो पूरा हो चुका है। हमने उसकी स्टोरी जो है वो रीड कर ली है। तो बताओ आपने क्या सीखा है स्टोरी से, क्या था स्टोरी के अंदर? स्टोरी में मेट्रो ट्रेन के बारे में बताया था, एक नई ट्रेन की सर्विस स्टार्ट हुई है जो किसकी तरह दिखती है, बस की तरह। वो जो होती है बहुत बड़ी होती है, जैसा कि श्याम ने बोला था ना कि ऐसा लग रहा है जैसे दो बसों को साथ में जोड़ दिया है। तो वो बहुत ज्यादा क्या होती है, बड़ी होती है और उससे आवाज भी नहीं आती है, बिल्कुल साइलेंट होती है, और वो हमारा फ्यूल और टाइम को भी बचाती है। तो आप भी जब जाए कहीं सिटी में तो वहां पर मेट्रो से सफर करें। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइजेस। Try your knowledge. A. Who said these lines? ये lines किसने बोली थी? Let's see कौन सी line? Wash your hands. अपने हाथ धो लो, अपने हाथ धो लो। And get seated और बैठ जाओ at the dining table, और dining table पे बैठ जाओ। ये बात किसने बोली थी? बताओ बताओ किसने बोली थी ये बात? ये बात किसने बोली? ये बात बोली थी मदर ने, माता जी ने। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? मदर। नेक्स्ट वन, सेकेंड, आई डू नॉट लाइक, मुझे नहीं पसंद है दीज नॉइजी ऑटो रिक्शाज, ये आवाज करने वाले ऑटो रिक्शाज मुझे पसंद नहीं है। ये लाइन किसने बोली थी? रवि ने, जब उसने उसे ज्वाइन किया था। श्याम ने बोला कि हम उसमें जाएंगे, तो रवि वापस बोलता है हाँ हम तो उसी में जाएंगे, मुझे तो ये ऑटो रिक्शा जो नॉइजी होते हैं मुझे नहीं पसंद है। नेक्स्ट, मेट्रो ट्रेन सेव्स फ्यूल एंड टाइम, मेट्रो ट्रेन हमारा टाइम और ईंधन को बचाता है। किसने बोला था ये बोला था फादर ने। किसने बोला था? फादर ने, श्याम और रवि के जो फादर थे उन्होंने ये बात बोली थी। नेक्स्ट वन, इट इज अ न्यू ट्रेन सर्विस कॉल्ड मेट्रो ट्रेन, ये एक नई ट्रेन सर्विस स्टार्ट हुई है जिसे मेट्रो ट्रेन बोला जाता है। ये बात किसने बोली थी? फादर ने। वेरी गुड। नेक्स्ट, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। सो हियर वी हैव सम क्वेश्चन, सो लेट्स आंसर दैम। फर्स्ट, वॉट वर श्याम एंड रवि प्लानिंग, श्याम और रवि ने क्या प्लानिंग किया था? श्याम एंड रवि प्लानिंग फॉर अ पिकनिक, पिकनिक पे जाने का प्लान बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट डिड मदर प्रिपेयर, मदर ने क्या बनाया था? मदर प्रिपेयर्ड डिनर, माता जी ने डिनर बनाया था, रात का खाना बनाया था। नेक्स्ट, वॉट डिड फादर गेट फॉर श्याम एंड रवि टू प्ले, वॉट मीन्स क्या? फादर गेट, पिताजी ने लिया फॉर श्याम एंड रवि, श्याम और रवि के लिए टू प्ले, श्याम और रवि के खेलने के लिए क्या लिया था पिताजी ने? फिशिंग नेट, बैडमिंटन रैकेट एंड शटल कॉक। सो फादर गॉट द फिशिंग नेट लिया था एंड और बैडमिंटन सेट, रैकेट्स एंड शटल कॉक, दिस इज कॉल्ड बैडमिंटन सेट, सो उन्होंने लिया था। नेक्स्ट, वॉट सेव्स फ्यूल एंड टाइम, क्या, वॉट मीन्स क्या, सेव्स बचाता है फ्यूल ईंधन एंड टाइम, ईंधन और टाइम को कौन बचाता है? द आंसर इज मेट्रो ट्रेन सेव्स फ्यूल एंड टाइम, मेट्रो ट्रेन टाइम से फ्यूल
फ्यूल और टाइम को बचाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द न्यू ट्रेन सर्विस कॉल्ड, नई ट्रेन की सर्विस को क्या बोला जाता है? क्या क्वेश्चन है? नई जो ट्रेन की सर्विस है उसे क्या बोलते हैं? द न्यू ट्रेन सर्विस, जो नई ट्रेन सर्विस है इज कॉल्ड, उसे बोला जाता है द मेट्रो ट्रेन। क्या बोलते हैं उसे? द मेट्रो ट्रेन। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। सी, फिल इन द ब्लैंक्स। सो लेट्स फिल द ब्लैंक। हॉलीडेज स्टार्टेड, कौन से हॉलीडेज स्टार्ट हुए थे? यस, समर हॉलीडेज। टू राइट समर, नेक्स्ट, मदर प्रिपेयर्ड, माताजी ने क्या तैयार किया था? डिनर। तो सो मदर प्रिपेयर्ड डिनर। नेक्स्ट, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, एवरीवन, सब लोग स्टार्टेड, शुरू कर दिया प्रिपेयरिंग, तैयारी फॉर दी, किस चीज की तैयारी शुरू कर दी थी सबने? पिकनिक की। तो यहां पे क्या आएगा? पिकनिक। नेक्स्ट, आई डू नॉट लाइक, मुझे नहीं पसंद है दीज, ये ब्लैंक ऑटो रिक्शाज। कैसे ऑटो रिक्शाज? नॉइजी, शोरगुल वाले। तो हम यहां क्या लिखेंगे? नॉइजी। नेक्स्ट, फादर गॉट द, फादर ने क्या लिया था? ब्लैंक नेट। कौन सी नेट ली थी? फिशिंग नेट। कौन सी नेट ली थी? फिशिंग नेट। एंड बैडमिंटन सेट, और बैडमिंटन का सेट लिया था। नेक्स्ट, स्पेल इट राइट। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। पुट दिस आफ्टर द करेक्ट स्पेलिंग, इफ दिस स्पेलिंग इज करेक्ट वी पुट दिस वन, एंड क्रॉस आफ्टर द इनकरेक्ट स्पेलिंग, अगर जो स्पेलिंग है वो इनकरेक्ट है तो हम क्रॉस लगाएंगे, एंड राइट द करेक्ट स्पेलिंग, और करेक्ट स्पेलिंग वापस लिखेंगे। सो फर्स्ट वन इज STARTDE. Is this a correct spelling? No. So what is the correct spelling? Started. 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 Next one. DELECIOUS. This is the correct spelling of delicious? No. So what is the spelling of delicious? This is the wrong spelling. So the correct spelling is DELISIOUS, delicious. Next, FEUL, is this correct spelling? No. So which is the correct spelling? FUEL, fuel. Next, badminton, BADMINTON, this is the correct spelling. So let's write again, BADMINTON, badminton. Next, BESID, is this the correct spelling of beside? No. So the correct spelling is BESIDE, beside. Next, learn the meaning of these words. So let's learn. First word is excited. Hindi meaning is utsahit. And the English meaning is feeling very happy, बहुत खुशी महसूस करना. Next word is beside, हिंदी बगल में, हिंदी बगल में. And the English meaning is next to, अपने पास में अगर कोई बैठा होता है तो उसे बोलते हैं beside.
विस्पर्ड, हिंदी मीनिंग इज फुसफुसाना। क्या होता है फुसफुसाना? इंग्लिश स्पीक वेरी क्वाइटली, बहुत धीरे आवाज में बोलना। नेक्स्ट डिलीशियस, हिंदी मीनिंग इज स्वादिष्ट। एंड दिस इज टेस्टी, बहुत टेस्टी फूड होता है। नॉइजी शोरगुल, नॉइजी मीन्स शोरगुल। एंड इंग्लिश लाउड साउंड, बहुत तेज साउंड। ग्रामर जोन, रीड दीज सेंटेंसेस। हियर वी हैव सम सेंटेंसेस, लेट्स रीड। हेलो माय नेम इज रवि, मेरा नाम रवि है। She is Namrata, वह नम्रता है। The Taj Mahal, जो ताज महल है, is in Agra, वह आगरा में है। ताजमहल आगरा में है। So let's go. रवि, I am Ravi. So जो रवि है वो क्या है? रवि is the name, नाम है ऑफ अ पर्टिकुलर बॉय, एक पर्टिकुलर जो एक लड़के का नाम है। नम्रता, नम्रता क्या है? इज द नेम, नाम है ऑफ अ पर्टिकुलर गर्ल, एक लड़की का नाम है। नेक्स्ट वन इज ताजमहल। ताजमहल क्या है? इज द नेम, नाम है किसका? अ पर्टिकुलर बिल्डिंग, एक पर्टिकुलर बिल्डिंग का नाम है। क्या है? ताजमहल। नेक्स्ट आगरा, नेक्स्ट क्या है? आगरा इज द नेम, आगरा भी क्या है? नेम है ऑफ अ पर्टिकुलर सिटी, किसका नाम है? एक शहर का नाम है, एक विशिष्ट शहर का नाम है। सच, नेमिंग वर्ड्स, ये जो नाम वाले जो वर्ड्स होते हैं आर कॉल्ड, इन्हें बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रॉपर नाउन, क्या बोलते हैं इन्हें? प्रॉपर नाउन। दे बिगिन विद अ कैपिटल लेटर, ये किससे स्टार्ट होते हैं? कैपिटल, जैसे आर का जो रवि है, रवि का जो आर है वो कैपिटल है। नम्रता का एन कैपिटल, ताजमहल का टी एंड एम कैपिटल, आगरा का ए कैपिटल। नाउ रीड दिस सेंटेंस। अ गर्ल, एक लड़की इज प्लेइंग, खेल रही है विद अ डॉग, एक कुत्ते के साथ। इन द पार्क, पार्क के अंदर। सो द वर्ड्स गर्ल, डॉग, पार्क आर कॉल्ड कॉमन नेम्स। ये क्या है? कॉमन नेम है। आप किसी भी लड़की की बात कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि हम मेरी बात करें या उसकी बात करें। हम एक लड़की है कोई, उसका कोई नाम नहीं दिया ना यहाँ पे। डॉग है तो ना कुत्ते का नाम भी नहीं दिया है, तो कोई कुत्ता होगा उसके साथ खेल रही है। पार्क है तो पार्क का भी नाम नहीं दिया, तो इन सब को क्या बोलते हैं? कॉमन नेम। ये क्या है? कॉमन है, किसी भी चीज के लिए काम में लिए जा सकते हैं। दे आर कॉमन नाउन्स, तो इन्हें क्या बोला जाता है? कॉमन नाउन्स। दीज आर कॉमन नेम्स ऑफ पीपल। गर्ल कौन होता है? व्यक्ति है, गर्ल या बॉय, गर्ल या बॉय, ये कौन होता है? पीपल होते हैं। प्लेस, जगह, पार्क क्या है? एक जगह है। एनिमल्स, डॉग एंड थिंग्स, और वस्तुएं, कोई भी चीज होती है, जैसे पेंसिल हो गई, तो ये सब क्या है? कॉमन नाउन है। क्या है? कॉमन नाउन है। रीड द सेंटेंसेस एंड अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन। यहां पे हमको प्रॉपर नाउन के ऊपर अंडरलाइन करनी है। लेट्स फाइंड अवर बर्थडे, हमारा जो बर्थडे है आर इन,
वो आता है नवंबर और दिसंबर में। तो नवंबर और दिसंबर क्या है, नाम है किसके, नाम है मंथ के, नाम है फिक्स है कि मेरा बर्थडे जो है वो नवंबर, हमारा जो बर्थडे है वो नवंबर और दिसंबर में आता है। तो जो यार नवंबर एंड जो दिसंबर है वो प्रॉपर नाउन हो गए। नेक्स्ट, वी स्टडी एट ऑक्सफोर्ड स्कूल। स्कूल तो क्या है, प्लेस है, लेकिन स्कूल का यार नाम दे दिया, क्या दे दिया, नाम दे दिया। तो नाम देते ही वो कौन से स्कूल में पढ़ता है, ऑक्सफोर्ड स्कूल में पढ़ता है। तो जो ऑक्सफोर्ड स्कूल है वो एक प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट, वी लिव इन दिल्ली, हम दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली क्या है, एक सिटी का नाम है, तो नेम प्रॉपर नेम है कि हम दिल्ली में ही रहते हैं। इट वो, इट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, यह भारत की राजधानी है। तो जो इंडिया है वो भी एक देश का नाम है, तो इसमें नीचे भी आ गया। वी गो टू, हम जाएंगे, हम जाते हैं बसंतर पार्क डेली, बसंतर पार्क में जाते हैं। तो बसंतर पार्क क्या है, नाम है। मोहन लड़के का नाम, एंड रवि लड़के का नाम, आर बेस्ट फ्रेंड, वे दोस्त है। तो मोहन एंड रवि क्या है, लड़कों का नाम है, तो इसलिए ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट, मैच द प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन गिवन बिलो। नीचे कुछ प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन दिए गए हैं, तो लेट्स मैच। फर्स्ट वन इज रवि। रवि क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, और वो क्या है, एक लड़का है। तो ये बॉय क्या हो गया, कॉमन नाउन। नेक्स्ट, देहरादून। देहरादून सिटी का नाम है, किसका नाम है, सिटी का नाम है। तो ये सिटी तो क्या हो गया, कॉमन, और देहरादून क्या हो गया, प्रॉपर। यमुना एक रिवर का नाम है, तो रिवर कॉमन नाउन, यमुना प्रॉपर नाउन। ताजमहल एक बिल्डिंग का नाम है, तो बिल्डिंग कॉमन नाउन और ताजमहल प्रॉपर नाउन। ब्रूनो इज अ नेम ऑफ एनिमल, तो ये जो ब्रूनो हो गया वो प्रॉपर नाउन और एनिमल हो गया कॉमन नाउन। तो यहां हमने क्या पढ़ा, ग्रामर जोन में हमने क्या पढ़ा, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बीच का डिफरेंस पढ़ा। प्रॉपर नाउन, अगर हम किसी का, व्यक्ति का नाम ले लेते हैं, पर्टिकुलर नेम ले लेते हैं, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। और अगर हम कह देते हैं वह लड़की या वह लड़का, वह कुत्ता, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, कॉमन नाउन, वो क्या हो जाता है, कॉमन नाउन। नेक्स्ट, पीपल लोग वर्क काम करते हैं इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके के काम करते हैं लोग, अलग अलग तरीके से काम करते हैं। टू हेल्प अस, और काम करके क्या करते हैं, हमारी मदद करते हैं। लुक एट द पिक्चर्स, यहाँ कुछ पिक्चर्स दी गई है। एंड राइट द नेम्स ऑफ पीपल एट वर्क, वो लोग क्या काम करते हैं, उन लोगों का नाम लिखना है। चूज फ्रॉम द हेल्प बॉक्स, यहाँ हमें एक हेल्प बॉक्स दिया गया, कहाँ है हेल्प बॉक्स, ये रहा हेल्प बॉक्स। सो लेट्स राइट द नेम्स। फर्स्ट वन, He bakes bread and cookies. So, जो ब्रेड और कुकीज को बेक करता है उन्हें क्या बोला जाता है, उसे बोलेंगे हम बेकर, क्या बोलेंगे, बेकर, ये रहा बेकर। लेट्स राइट बेकर। नेक्स्ट, He grown crops, जो फसल को उगाता है वो कौन होता है, फार्मर, किसान, हम लिखेंगे फार्मर। नेक्स्ट, ही स्टिचेस क्लोथ, ये हमारे कपड़े सिलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, टेलर, क्या बोलते हैं, टेलर। नेक्स्ट, ही ट्रीट्स सिक पीपल, ये बीमार लोगों का इलाज करते हैं, कौन करता है, डॉक्टर, कौन करता है, डॉक्टर। So write doctor. Next,
ही फ्लाइज एरोप्लेन्स। एरोप्लेन कौन उड़ाता है? पायलट। सो यार राइट, क्या लिखेंगे हम? पायलट। नेक्स्ट, ही कट्स हेयर, जो बालों को कट करता है, काटता है, उसे बोलेंगे बार्बर। ही कॉल्ड बार्बर। सो विद दिस आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड हियर। सो व्हाट वी लर्न इन दिस चैप्टर? वी लर्न अबाउट मेट्रो ट्रेन, वी लर्न अबाउट दी प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन, वी लर्न द थिंग्स वी प्ले, वी लर्न अबाउट द पीपल हु हेल्प अस। सो नाउ डू फिल योर वर्कशीट विथ हेल्प ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू।